नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में आज सफाई कर्मियों के साथ मारपीट के बाद सफाई कर्मियों में अचानक आक्रोश उत्पन्न हो गया। इस दौरान दर्जनों की तादाद में एकत्रित होकर सफाई कर्मियों ने ITI थाना पहुंचकर अपना आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। दरअसल आज वार्ड नंबर चार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जगदीर सिंह वार्ड की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान वार्ड के ही बलकार सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल से जगदीर सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। इसका विरोध करने पर बलकार सिंह तथा कुछ और अन्य लोगों ने जगदीर सिंह को गालियां देते हुए मारपीट की। सफाई कर्मियों को घटना की जानकारी मिलने पर उनमें आक्रोश भड़क उठा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार सौदा बन्नू के नेतृत्व में दर्जनों की तादाद में एकत्रित सफाई कर्मियों ने ITI थाने पहुंचकर तहरीर पुलिस को देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। घटना में सफाई कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार सौदा ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। काशीपुर उत्तराखंड से News 22 इंडिया के लिए FU खान की रिपोर्ट। हम सुबह ड्यूटी आए थे, अपना नाली का काम देख रहे थे, कार दिए हमारे बाइक खड़ी थी, एक बाइक सवार पे एक लड़का आया। सर कैसे की बात है? सर ये चैती गाँव SI ऑफिस वाली गली, फायर ब्रिगेड वाली गली में, वहाँ पर सर हम अपने कार्य कर रहे थे, उसमें एक लड़का आया जिसने हमारी बाइक में टक्कर मारी। उस टक्कर में उस लड़के थोड़ी मुठभेड़ हुई हमारी, उर्दू में हुई। उस लड़के से बात इतने में एक लड़के सरदार जी आए घर में से निकल के, बुजुर्ग थे, उन्होंने इनके हाथ छोड़ दिया। आते ही फिर उनके लड़के उड़के आए, चार पांच जनों ने इनके कान पे घेर के मारना शुरू कर दिया। सर पीटना सर उन्होंने सुनवाई हमसे ये नहीं पूछा किसका गलती थी, ना ही तो उस लड़के को जानते थे ना ही कुछ। उन्होंने तुरंत आते ही हाथापाई शुरू कर दी। वार्ड नंबर 4 में काम कर रहे थे, वहां पर एक बाइक सवार व्यक्ति जो भी अपने फोन साइड से नहीं आ रहा था, वहां पर कर्मचारी के आगे जो है तुरंत जो है मोटरसाइकिल टक्कर मार दी गई। टक्कर मारने पर कर्मचारी ने उसका विरोध करा तो उसके परिवार के लोगों ने आकर दो कर्मचारियों के साथ में हाथापाई करी और मार पिटाई करते करते SC ST जो लोग के जो धारा है उस हिसाब से जो है इनके साथ में जो बदतमीजी की गई और अवसर जो का प्रयोग किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, और जिसका देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ पूर्ण जोर से विरोध करता है। और अगर हमारे कर्मचारियों के साथ में, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इस COVID-19 की महामारी को देखते हुए ये लोग अपनी जी जान से पूरे जो है काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा का जो इनको एक वो मिला है दर्जा, तो उस दर्जे को ध्यान में न रखते हुए लोगों ने इनके साथ मार पिटाई करी है और जिसका हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे कर्मचारियों के साथ इंसाफ नहीं होता है तो हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी और जिला प्रशासन की होगी, नगर निगम प्रशासन की होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।